8. मगध महाराज धनानंद का आदेश महामंत्री अमात्य राक्षस के कानों में गूंज रहा था। अमात्य राक्षस, मेरी आज्ञा है कि इसी क्षण तुम अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान करो और पता लगाओ कि वो आचार्य चाणक्य कहाँ छुपा बैठा है। उसने मेरे शासन को निरंकुश कहा है। अब अत्यंत आवश्यक है कि उसे कारावास के अंदर डाल देना चाहिए और ऐसी क्रूर व्यवस्था से उसका परिचय करवाओ कि आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां भी धनानंद का स्मरण रखें। अगर वो सूर्य की किरण में भी छुपा हुआ है तो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने अति शीघ्र पेश करो। जाओ। धनानंद के इसी आदेश के शब्दों को याद करते हुए महामंत्री अमात्य राक्षस अपने घोड़े की लगाम को लगातार खींचता जा रहा था। साथ ही मन में अमात्य राक्षस कह रहा था कि मगध राज दरबार में अखंड प्रतिज्ञा के बाद आखिर आचार्य चाणक्य किस दिशा तरफ प्रस्थान किए होंगे। मुझे अति शीघ्र ही उनके बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो महाराज के क्रोध का भागी पपता की तरह मैं स्वयं भी हो सकता हूँ। और मुझे पपता की भांति महाराज धनानंद के क्रोध का भागी नहीं बनना है। घोड़े में कई सैनिकों के साथ सवार होकर अमात्य राक्षस यही विचार कर ही रहा था कि धनानंद के पुत्र पब्बता ने अपने कक्ष में दरबार के कई सैनिकों को बुलाया और एक ऐलान करने को कहा। सुनो सैनिकों, ये सर्व ज्ञात है कि मगध की राजगद्दी का भविष्य पब्बता यानी मेरे स्वयं के चरणों में ही है, परंतु मेरे समक्ष कुछ विकट परिस्थिति प्रकट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे पिताश्री को ना चाहते हुए भी एक प्रतिज्ञा देनी पड़ी। अब उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मुझे किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य का पता लगाना ही होगा। शीघ्र ही सभी गुप्तचरों को आदेश पारित कर दो कि आचार्य चाणक्य को भूमि के अंदर से भी ढूंढ कर निकाला जाए। सैनिकों, मेरा आदेश है कि पूरे नगर में घोषणा करवा दो कि जो नगरवासी आचार्य चाणक्य के बारे में सूचना देगा उसे युवराज पवत्ता की तरफ से उचित उपहार दिया जाएगा। जी युवराज पवत्ता, जैसी आपकी आज्ञा। युवराज पवत्ता की जय हो, युवराज पवत्ता की जय हो, युवराज पवत्ता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। युवराज पवत्ता की जय हो, युवराज पवत्ता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। सुनो 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 सभी नगरवासी सुनो, मगधापति मगध नरेश धनानंद के सुपुत्र मगध के युवराज पवत्ता का आदेश है कि जो कोई नगरवासी तक्षशिला से आए ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की खबर देगा या उसे बंदी बनवाने में सैनिकों की मदद करेगा उसे युवराज पवत्ता की ओर से उचित सम्मान और राजकीय उपहार से सम्मानित किया जाएगा। सुनो 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 युवराज पवत्ता का आदेश है। जिस दौर में धनानंद के सैनिक चाणक्य की तलाश कर रहे थे उस दौर में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस दौर के भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य मगध ही हुआ करता था। मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहुत विशाल हुआ करती थी, साथ ही साथ उनके पास गुप्तचरों की भी विशेष व्यवस्था हुआ करती थी। इन्हीं गुप्तचरों को युवराज पवत्ता ने आचार्य चाणक्य का पता लगाने का आदेश दिया था। युवराज पवत्ता को किसी भी तरह मगध साम्राज्य की राज गद्दी में बैठना था, इसलिए वो अपनी इमेज धनानंद की नजरों में बेहतर करना चाहता था। पर उसे नहीं मालूम था कि धनानंद कभी राज गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहता है। उस समय मगध की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर धनानंद को पता चल जाता कि पवत्ता के मन में मगध की राजगद्दी का सपना पल रहा है तो फिर धनानंद पवत्ता को भी काल कोठरी में डलवा देता या फिर मृत्यु दंड का आदेश दे देता। आपको बता दें कि इसी साम्राज्य के आचार्य चाणक्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता से नींव रखी और विश्व को दिखाया कि अखंड साम्राज्य कैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने विश्व के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे एक देश को जनता के हित के हिसाब से चलाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे चाणक्य ने कई बातों का ख्याल रखा, जैसे कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के हक के हिसाब से रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात
किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए, इन्हीं सब पहलुओं को आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी समझाया है। यही वजह है कि आज भी इस किताब को धरोहर की तरह सम्मान मिलता है। कई लोगों के मन में चाणक्य के अर्थशास्त्र के मूल अर्थ को लेकर भी सवाल रहते हैं। इसका जवाब सीधा सा है, चाणक्य के अर्थशास्त्र का मूल शब्द ही राजधर्म है। राजधर्म किस चिड़िया का नाम है? किसी भी देश के शासक या फिर महाराजा की अपनी प्रजा की तरफ क्या जिम्मेदारियां होती है? इन्हीं सब बातों को बड़ी बारीकी से आज से 2300 साल पहले चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में समझाया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि कोई भी महाराज एक राज ऋषि की तरह होता है। इसका मतलब साफ है कि चाणक्य को साम्राज्य को चलाने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो खुद ऋषि की तरह हो। अपने ऋषि की तरह राजा की तलाश में चाणक्य मगध राज दरबार से निकलने के बाद लग चुके थे। आचार्य चाणक्य को एक ऐसे राजा की तलाश थी जो चक्रवर्ती भी हो और जिसका चरित्र किसी ऋषि की तरह हो। अपनी अखंड प्रतिज्ञा के बाद चाणक्य मगध राज दरबार से सीधे वन की तरफ निकल गए। उनके दिमाग में उनकी ली हुई प्रतिज्ञा लगातार अंकित हो रही थी, जिसके कुछ शब्द उन्हें सुनाई दे रहे थे। मैं यानी चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्र नहीं कर दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य के दिमाग में उनकी ली हुई प्रतिज्ञा गूंज रही थी कि तभी उनके कानों में बहती हुई नदी की पानी की आवाज गई, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने नदी को देखते हुए अपने मन में सोचा कि मेरा अंतर्मन इतना विचलित क्यों है? मेरे अंतर्मन में लगातार मेरी ली हुई अखंड प्रतिज्ञा ही चल रही है। अगर इस बहती हुई नदी के जल ने मुझे जगाया नहीं होता तो पता नहीं मैं विचार मग्न होकर कहां चला जाता। इस विचारों के वेग को मुझे अत्यंत प्रभाव से रोकना ही होगा। हे दीनानाथ, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे कुछ दिनों तक यही वन में अज्ञातवास में रहना चाहिए और आगे की रणनीति के ऊपर खुद से ही विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि विश्व से युद्ध आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपने अंतर मन से विजय ना प्राप्त कर लें। इसलिए सर्वप्रथम मुझे अपने अंतर मन से विजय प्राप्त करनी होगी। इसके लिए सबसे उचित अज्ञातवास ही होगा। मुझे कुछ दिनों के लिए इसी वन में अज्ञातवास में रहना होगा और ध्यान मग्न अवस्था में विचार करना होगा। आचार्य चाणक्य ने नदी के पानी से अपने चेहरे को साफ किया और कुछ समय के लिए वन में ही ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान वो अर्थशास्त्र के ऊपर भी काम कर रहे थे। आचार्य चाणक्य वैसे भी राजा, प्रजा, सिंहासन के बारे में पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन अब चाणक्य को ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धनानंद जैसे बुद्धिहीन शासक न हो, भारत छोटे छोटे राजाओं के बीच बटा न हो। उन्हें एक ऐसे शासक की खोज थी जो पूरे भारत वर्ष में शासन कर सके। इतिहास का वो समय भी नजरें उठाए चाणक्य की तरफ देख रहा था। उसे भी ये देखना था कि क्या चाणक्य ऐसे सम्राट की तलाश कर पाएंगे। यही वो दौर था जब चाणक्य ने देश को चलाने वाली ब्लूप्रिंट यानी अर्थशास्त्र को कंप्लीट किया था, जिसे आज के समय में संविधान के नाम से भी जाना जाता है। समय बीतता जा रहा है और चाणक्य अर्थशास्त्र लिखने में व्यस्त है। समय अपनी रफ्तार से भागता रहा। कई महीने गुजर गए, किसी को चाणक्य के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक दिन अचानक चाणक्य ने अपनी ध्यान अवस्था को छोड़ा और खुद से कहा,
जब मैं तक्षशिला से मगध वापस आया था तो पूजनीय अमात्य शक्तर ने मुझसे एक बालक के विषय में वार्तालाप की थी, जिसका नाम उन्होंने क्या बताया था? हाँ, अमात्य शक्तर ने उस शूरवीर बालक का नाम चंद्रगुप्त बताया था। उसी बालक ने मगध में उस वृद्ध निर्धन पुरुष की पुत्री गंगा की रक्षा भी की थी। मुझे अति शीघ्र ही अमात्य शक्तर की कुटिया की तरफ प्रस्थान करना होगा। जिस वक्त चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्तर से मिलने के लिए निकले थे, उस वक्त रात का समय हो रहा था। एक वो दौर भी था जब रात को ही अमात्य शक्तर की मुलाकात चाणक्य के पिता चाणक्य से हुई थी। उस रात के बाद एक काली रात ने चाणक्य की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब इस रात के बाद क्या होने वाला था युग पुरुष चाणक्य की जिंदगी में? आगे कौन सी बड़ी चुनौती चाणक्य का इंतजार कर रही थी और कैसे हुई थी चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात? सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।